बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ सकते हैं कमलनाथ। मल्लिकार्जुन खड़गे से कमलनाथ की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में किसी नए और युवा चेहरे को कमान मिल सकती है। राहुल गांधी चाहते हैं प्रदेश में नया नेतृत्व, उमंग सिंगार, जीतू पचवारी, अरुण यादव को मौका मिल सकता है। हार के बाद कांग्रेस आलाकमान एक्शन मूड में है और कुछ बड़ा कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। कमलनाथ की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद एक कयास लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, एक्शन में कांग्रेस आलाकमान नजर आ रहा है और दिल्ली में कांग्रेस की हार पर बैठक भी हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे से पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मुलाकात की और कमलनाथ ने खड़गे से मिलने का समय मांगा था, आपको बता दें, जिसके बाद ये मुलाकात हुई। हार के कारणों पर चर्चा हुई और जिम्मेदारी बदली भी जा सकती है। एक्शन में आलाकमान कांग्रेस का नजर आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे से कमलनाथ की मुलाकात हुई है और इसके बाद अब कई सवाल भी खड़े होते हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं, क्या कुछ इसमें चर्चा हुई होगी और क्या मध्य प्रदेश में जिम्मेदारियां बदली जा सकती हैं। तो देखिए, कांग्रेस की हार हुई है मध्य प्रदेश में, कम सीटों पर सिमटी है कांग्रेस, लेकिन इसके बाद अब पांच बड़े सवाल हैं और कौन से हैं वो सवाल, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। क्या कमलनाथ पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दे देंगे, एक बड़ा सवाल है। और साथ ही दूसरा सवाल ये कि कमलनाथ के बाद पीसीसी का अध्यक्ष कौन होगा, कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष अब किसे बनाया जाएगा। इसके साथ ही चौथा सवाल ये कि कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है और तीन राज्यों में हार के बाद लोकसभा में क्या प्लानिंग रहेगी कांग्रेस की। तो कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द अब प्लानिंग भी की जाएगी, बयानबाजी भी कांग्रेस की ओर से जारी है। उमंग सिंगार का एक बयान भी सामने आया है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये तो पार्टी के निर्णय रहते हैं और पार्टी हर पहलू पे मंथन कर रही है। अब ये पार्टी का जो हाईकमान का निर्णय रहेगा वो सबको मान्य रहेगा। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चूंकि संगठन का भी आदमी हूँ और पार्टी को कड़क निर्णय लेना पड़ेंगे ताकि हम लोकसभा के अंदर अच्छी स्थिति में रहें मध्य प्रदेश में। और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे, संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी, लेकिन इसके बाद क्या रणनीति होगी इस पर तो कांग्रेस मंथन करेगी। मध्य प्रदेश में कुछ बदलावों के कयास लगाए जा रहे हैं कमलनाथ की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद। देखिए, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस हारी है, क्योंकि 66 सीटें ही कांग्रेस के पास रही, जबकि कांग्रेस का दावा था कि 120 से ज्यादा सीटों को लेकर वो सरकार बनाएगी, लेकिन जो हार है वो कहीं ना कहीं आलाकमान की नजरों में भी है कि आखिर ऐसा क्यों। और यही कारण है कि दिल्ली में जब मुलाकात हुई या भोपाल में जब बैठक हुई तो सभी अब ये इस बात पर निर्णय लिया जा रहा है कि क्या मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। इसको लेकर जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि कमलनाथ को कहा गया है कि वो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करें, यानी कि उन्हीं से ही नाम मांगे गए हैं। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को मिल सकता है। पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के जो सचिव भी रहे, गुजरात में प्रभार दिया गया, उमंग सिंगार भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी को कड़े निर्णय लेना चाहिए ताकि लोकसभा में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो। और यही माना जा रहा है कि आने वाले समय में वैतिक ताकि आधार पर हार की जिम्मेदारी लेते हुए कमलनाथ जो है वो प्रदेश अध्यक्ष का पद जो छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी मध्य प्रदेश में खाली हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हार चुके हैं। तो ऐसे में दोनों पदों पर नियुक्तियां होना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है प्रदेश अध्यक्ष का पद, क्योंकि उस व्यक्ति को ही लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए काम करना है। तो बहुत महत्वपूर्ण पद है, कई उम्मीदवार भी हैं, युवा चेहरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये आलाकमान को तय करना है कि आखिर अब मध्य प्रदेश की संगठन की कमान किसके हाथ में रहेगी। बिल्कुल सूरज, किसके हाथों में कमान होगी और वो कमान कैसे संभालते हुए लोकसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ती नजर आएगी, देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, कांग्रेस ने कवायद तो शुरू कर दी है, मुलाकात भी हुई है।